थैंक यू। अच्छा लिसन, मैं शाम को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? कम ऑन, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, अगर अभी बता दूंगा तो फिर सरप्राइज कैसा? तो शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। वो तो है, शाम तक तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं शाम तक इंतजार कर लूंगी। लेकिन एक बात है, सरप्राइज तुम्हें पसंद बहुत आएगा। Really? तो इसका मतलब है कि कोई खास चीज है। शाम तक का वक्त कैसे गुजरेगा? मुझे याद करके बता दो ना अभी। ओके, आई एम लीविंग। बाय बाय। बेटा तुमने मेरी से कह दिया ना कि जल्दी आ जाए, शाम को वो मेहमान आ रहे हैं ना। जी पुप्पो, मैंने उसे फोन कर दिया था। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, 2 हफ्ते तो हो गए उसको गए हुए। पुप्पो वो कह रही थी कि वो आ जाती अगर वो शांजे वाला मामला ना हुआ होता। कौन सा वाला मेरा मामला? यूनिवर्सिटी जा रही हो क्या? हाँ जाहिर है। आज ना जाओ। क्यों? इसलिए कि आज शाम को कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। What? मेरे रिश्ते के लिए? हाँ बेटा, तुम्हारे रिश्ते के लिए। बहुत अच्छी फैमिली है बेटा, और लड़का तो बहुत ही अच्छा है। For God's sake, फुप्पो, मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शांजे प्लीज भाभी आप बीच में मत बोलें, ये आपका मैटर नहीं है। देखो बेटा, ये कोई तरीका नहीं बात करने का इस मामले पर। आओ बैठ के बात करते हैं ना। सॉरी पुप्पो, मैं जो भी बात करूंगी आपको बुरा ही लगेगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लिया कि मैं बुरी हूँ। नहीं मेरी जान, मैं ऐसा गुमान तुम्हारे बारे में क्यों पालूंगी अपने दिल में? क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए आपको मालूम ही नहीं है कि बेटियों के लिए क्या फील करते हैं। आपके दिल में फीलिंग्स ही नहीं है। शांजे क्या हो गया तुम्हें? तुम पुप्पो से इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? वो बड़ी है इस घर की और तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। आप तो फेवर करेंगी क्योंकि इसमें सीधा सीधा आपका फायदा जो है। जिस तरह डैड की जिम्मेदारियों से आप अपनी जान छुटवाई, उस तरह आप मुझसे भी अपनी जान छुटवाना चाहती है ना। शांजे क्या हो गया है? बड़ों से इस तरह बात करते हैं, भाभी से इस तरह बात कर रही है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? मॉम तो चली गई है डैड, और अब आप सब भी ये चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊँ ताकि मॉम को याद करने वाला कोई भी ना हो। क्या हो गया तुम्हें? सुनो शांजे, रुको, मैंने तुमसे बात करनी है। ये जो कुछ आप मेरे साथ कर रही हैं ना, उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको, याद रखिएगा। चांदे रुको, रुको चांदे।